और आइए फ्रेंड्स, अब आपकी मुलाकात कराते हैं तो सूरज में सांझ पिया की पोलोमी से, जो पहुंची है नवाबों के शहर लखनऊ में, जहां बातचीत की हमारी संवाददाता निकिता ने। तू सूरज में सांझ पिया जी की द वेरी प्रिटी एंड क्यूट मधुरा इस वक्त हमारे साथ है। मधुरा, आप मुस्कुराइए, लखनऊ में है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मधुरा, सबसे पहले थोड़ा सा शो के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके कैरेक्टर के बारे में कि क्या है। मैं जो ये किरदार निभा रही हूँ, ये पालोमी का किरदार है। मेरा नाम है मधुरा नायक और तू सूरज में सांझ पिया जी जो है दिया और बाती का सीक्वल है, जैसे कि आप सब जानते हैं। दिया और बाती व्यूअर्स का, दर्शकों का सबसे चहीता शो रहा है, 8 सालों तक टॉप पे रहा है। और मैं चाहती हूँ कि हमारा शो भी बहुत ही जल्द नंबर 1 पे आए। हम टॉप पे आ चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जो मैं किरदार निभा रही हूँ, ये पालोमी का किरदार है। लोग मुझे जानते हैं मॉडर्न NRI कैरेक्टर्स कर चुकी हूँ मैं, नेगेटिव्स कर चुकी हूँ। लोगों ने मुझे ज़्यादातर मॉडर्न कैरेक्टर में ही देखा हुआ है। ये पहली बार है जो कि मैं इतना ट्रेडिशनल रोल प्ले कर रही हूँ, इतनी ट्रेडिशनल कैरेक्टर अदा कर रही हूँ। और मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे मेरी इसमें सारी भाषा चेंज हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एटिकेट्स चेंज हो जाते हैं। काफ़ी कुछ मुझे करना पड़ा जो पहली बार किया है। जैसे मैंने चूल्हा पहली बार जलाया था किचन में, वेजिटेबल्स पहली बार काटे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग हो गई थी। और मुझे बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए सारी चीज़ें करना, बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स मुझे जो पसंद करते हैं वो ये एक्सेप्ट करते हैं, और उनको मेरा ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है, बहुत पसंद आया है। और मैं इस चीज़ से भी खुश हूँ कि बहुत जल्दी पालोमी मॉडर्न होने जा रही है। हाँ, चूल्हे जलाने से मॉडर्नाइजेशन की बात करें अगर, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद फर्स्ट टाइम है कि आपका ये साड़ी में गेटअप है, तो इसको लेकर मतलब कितना लाइक एक्साइटेड, क्योंकि आपने बोला कि चूल्हा मैंने पहली बार जलाया, तो ये जो एथनिक और इंडियन वेयर आपका, मैं बहुत प्रिटी लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बट मुझे एक टाइम था जब मुझे ये ट्रेडिशनल रोल प्ले करना था, और मुझे प्ले करने मिला, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक यू स्टार प्लस फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं, मेरी इतनी लंबी जो चोटी है वो कट जाए। लोग इंतजार करते हैं बाल बढ़ने का, और मधुरा चाह रही है कि उनकी चोटी कट जाए। क्यों भाई? जब ये मेरे रियल बाल नहीं है, मेरे बाल इतने लंबे नहीं है, ये एक्सटेंशन है, और जब इतने सारे एक्सटेंशन हम सर पे लेके घूमते, 10 किलो का वेट, ये वेट कम हो जाए बस। देखो दर्शकों, देखो ये इनका विग है और ये चाहती है इसीलिए कट जाए। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या है, अभी आगे कुछ करने वाले हो या अभी फुल फ्लेज फोकस इसी पे है? जान में मेरी मराठी फिल्म रिलीज होने वाली है, लूज कंट्रोल। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सब जाके थिएटर में देखो, सब टाइटल्स के साथ देखना, जिनको मराठी नहीं आती है, लेकिन यू आर गोइंग टू लव द मूवी। मेरी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस है ये मूवी से, और आफ्टर द मूवी आई एम गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग मोर मराठी मूवीज एंड ऑफकोर्स दिस शो। मधुरा, चलते चलते एक आखिरी सवाल, बिग बॉस सीजन 11 को फॉलो कर रहे हो आप? मैंने बिग बॉस इस टाइम शायद 2 एपिसोड देखे। मुझे 3 बार ही ऑफर किया गया है बिग बॉस, बट मैंने देखे नहीं है इस बार के एपिसोड्स। Okay, 3 बार ऑफर मिला, तो इट्स लाइक आपने नहीं चूज किया। हाउ अबाउट अगर 12 सीजन से ऑफर मिलता है, बिग बॉस सीजन 12 से अगर मधुरा को ऑफर मिलता है, तो मधुरा का क्या कॉल होगा? मैंने 3 बार उनको सिर्फ यही कहा, मैं आऊंगी, लेकिन मैं बहुत डरती हूँ क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ, तो मुझे प्लीज प्रेशर में मत डालना। अगर वो बोलते हैं ठीक है हम नहीं डालेंगे, तो मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। मधुरा, ऑल द वेरी बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इनका शो लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इनकी जो जान में मराठी फिल्म है वो भी जनता, इनके व्यूवर्स, इनके जो फैंस हैं, उसका नाम लूज कंट्रोल, अपना कंट्रोल लूज करें और जाए थिएटर्स में देखें। लखनऊ से कैमरा पर्सन मानस के साथ मैं निकिता सरीन, समाचार प्लस के लिए।